माई ने सोनिया कटारिया टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेटेंट ट्यूबर क्लॉसिसटेंट टीबी क्या होता है देखिए पर्सन विद लेटेंट टीबी इंफेक्शन डू नॉट फील सिक एंड डू नॉट हैव एनी सिम्टम दे आर इन्फेक्टेड विद माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसेस बट डू नॉट हैव टीबी डिजीज लेटेंट टीबी के अंदर पर्सन जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है उसे जो है ऐसा फील नहीं होता कि वो सिक है वो बीमार है ना तो उसे कोई टीबी के सिम्टम्स आप शो करेगा पेशेंट आपको मगर वो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर से जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को लेटेंट टी बी है इसके लिए इससे हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट को लेटेंट एंड ट्यूबर है द ओनली साइन ऑफ टी बी इज़ अ पॉजिटिव रिएक्शन टू ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पेशेंट कि जब हम और डायग्नोसिस करेंगे तो हमें उसमें ट्यूबर जो है वो शो नहीं होगा जब हम पेशेंट का पी पी डी मतलब कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरीवेटिव स्किन टेस्ट जो करते हैं ट्यूबर के लिए जैसे मॉन्टोक्स टेस्ट कहते हैं वो हमारे पेशेंट का क्या है पॉजिटिव दिखाएगा जो हमें शो करेगा कि पेशेंट को क्या है हमारे लेटेंट ट्यूबर क्लॉसिस हैं ना तो पेशेंट आपको किसी भी तरीके के सिम्टम्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करेगा ना वो आपको कोई कंप्लेन करेगा बस जब हम उसका पॉजिटिव स्किन टेस्ट करें जब हम उसका स्किन टेस्ट करेंगे तो उसका स्किन टेस्ट क्या है पॉजिटिव आएगा ओके इसे हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबर क्लॉसिस ठीक है हमारे लेटेंट ट्यूबर के अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर हमारे ड्रग्स आती हैं आइसोनियाजिड एंड रिफैम ठीक है ये जो है हम नाइन मंथ्स के लिए इसका ट्रीटमेंट देते हैं लेटेंट टीबी के अंदर आइसोनियाजिड एंड रिफेमपिन ठीक है जो हम फर्स्ट जो हम इसमें फर्स्ट थ्री मंथ्स के लिए जो पेशेंट को हम आ, आ, जो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं वो आती है हमारी रिफैम्पिन प्लस आइसोनियाजिड ठीक है ये हम पेशेंट को थ्री मंथ्स के लिए देते हैं या तो आप रिफैम्पिन और आइसोनियाजिड इंडिविजुअली अलग अलग दो ड्रग्स जो है वो पेशेंट को तीन महीने के लिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर एक ड्रग जो है वो हमारी कॉम्बिनेशन होता है रिफैमपिन और आइसोनियाजिड का जिसका नाम है रिफिना रिफीना आर आई एफ आई एन एच ठीक है रिफीना इसके अंदर हमारी आइसोनियाजिड प्लस रिफैम्पिन दोनों इंक्लूडेड होती है या तो आप ये सिंगल ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर अगर आपको ये ड्रग नहीं मिलती है तो आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन जो है वो हम पेशेंट को तीन महीने के लिए एडमिनिस्टर करेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारा जो है ये हम हम जो शुरू में तीन महीने के लिए इन दोनों ड्रग को देते हैं कॉम्बिनेशन में या फिर इस सिंगल ड्रग को देते हैं नेक्स्ट जो हमारे सिक्स मंथ्स जो हमारे रिटेन रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं आइसोनियाजिड फाइव एम जी पर के जी पर डे जो है वो पेशेंट को सिक्स मंथ्स के लिए एडमिनिस्टर करते हैं जो कि हमारी ड्रग जो है थ्री हंड्रेड एम जी के अंदर जो है अवेलेबल मिलती है ठीक है हम आइसोनियाजिड सिक्स मंथ्स के लिए एडमिनिस्टर करते हैं उसके साथ ही साथ वाइटामिन बी सिक्स जो है वो भी हम पेशेंट को टेन टू ट्वेंटी फाइव एम जी पर डे जो है एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि आइसोनियाजिड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बी सिक्स की जो है वो मात्रा को कम कर देती है उसको रिड्यूस कर देती है जिसके वजह से हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसीलिए हम विटामिन बी सिक्स जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं और इसको हम पायरीडॉक्सिन भी, भी, भी बोलते हैं विटामिन बी सिक्स को हम पायरीडॉक्सिन भी बोलते हैं ओके ये आपको याद रखना है और जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी टेक इन इन द डे टाइम वन आवर बिफोर कंज्यूमिंग एनी मील आपको जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है वो मॉर्निंग में मतलब कि डे टाइम मॉर्निंग में ही लें तो ज़्यादा अच्छा है और कब लेनी है जब आप कोई भी मील कंज्यूम नहीं कर रहे हैं मतलब कि आपको खाने से पहले जो है एंटीकूलर एंटी ट्यूबरकुलर ट्यूबर ड्रग्स लेनी है थैंक यू अगर कोई भी आपको सजेशन हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें